चलो आज हम पढ़ते हैं नया चैप्टर, ठीक है। प्रश्नावली 10 नाम क्या है, बिंदु पथ है। बिंदु पथ पहली परिभाषा देख लेते हैं। देखो बिंदु पथ का मतलब क्या है, बिंदुओं का ऐसा समूह, बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो किसी न किसी प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, किसी न किसी किसको प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, क्या कहलाता है, बिंदु पथ कहलाता है। अब देखो इसका मतलब यह है कि जैसे अगर मैं एक वृत्त की बात करूं तो वृत्त के अंदर एक बिंदु होता है, ठीक है, और उसके चारों ओर समान दूरी पर क्या होती है, एक रेखा होती है, तो हम इसको कहते हैं वृत्त कहते हैं। परिभाषा क्या होती है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक है, यही हमारी परिभाषा होती है। तो देखो भाई वृत्त के अंदर क्या हो गया कि ये जो लाइन मैंने खींची ये क्या है, बहुत सारे बिंदु है, बिंदुओं का बिंदु पथ कहने का मतलब बिंदुओं का क्या है, बहुत बड़ा समूह है, और ये समूह किस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है कि वो हमेशा इस बिंदु से, इस अचर या इस निश्चित बिंदु से क्या होगा, समान दूरी पे स्थित होगा, तो यही क्या हो गया हमारा बिंदु पथ होगा, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है वो क्या होगी, बिंदु पथ, क्योंकि ये किस प्रतिबंध का पालना कर रही है, ये निश्चित बिंदु से हमेशा क्या रहेगी, समान दूरी पर रहेगी। अब एक और अगर एग्जाम्पल लूं कि मैंने एक सरल रेखा खींची, ठीक है, एक सरल रेखा खींची, अगर मेरे को इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ देखना है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे और यहाँ पे दो रेखाएं ऐसी खींचेंगी जो कि हमेशा इस पहले वाली जो रेखा है इससे क्या होगी, समान दूरी पर होगी। यानी कि एक सरल रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, उसके दोनों ओर स्थित दो समांतर रेखाएं होती है, ठीक है, दोनों ओर स्थित होंगी, क्योंकि ये एक्स दूरी हमेशा रहेगी, ये भी क्या रहेगी, हमेशा एक्स दूरी रहेगी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बिंदु पथ हो गया। अब इसके अंदर प्रतिबंध क्या है कि ये सरल जो रेखा है इससे हमेशा ये क्या है, समान दूरी पे स्थित होगी, ये क्या है, एक तरह का प्रतिबंध है जो कि ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, इसकी पालना करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा बिंदु पथ की परिभाषा क्या हो गई समझ में। अब देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो देखो बिंदु पथ से रिलेटेड हमारे यहाँ दो प्रमेय है, ठीक है, बिंदु पथ से रिलेटेड ये हमारे पास कितनी प्रमेय है, दो प्रमेय। पहली प्रमेय ये कहती है कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, दो बिंदु ये मैंने बना दी, ठीक है, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड या कहें रेखा का लंबवर्धक होती है। यानी कि ये तो मैंने माना ए और बी दो बिंदु हैं, ठीक है, ए और बी दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, यानी कि ये एक्स दूरी में मान लेता हूँ, यहाँ पे एक बिंदु लिया, इसकी ए से दूरी वाई है तो बी से भी कितनी दूरी होगी, वाई होगी। तीसरा एक और बिंदु अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो इसकी दूरी ए से और बी से जेड जेड है, तो इस तरह से ये जो बीच में लाइन मैंने खींची है वो हमेशा क्या होगी, ए और बी से समान दूरी पे स्थित होगी। इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या होगा, ए और बी से समान दूरी पे स्थित होगा। अगर ऐसा है तो हमारी ये जो रेखा होगी, हमारी ये जो रेखा होगी सी डी, ये क्या करेगी, ए बी को लंबवर्धक करेगी, यानी के यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनेगा और ये वाली दूरी इसके बराबर भी होगी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रमेय, पहली प्रमेय, एक बार वापिस बोल रहा हूँ कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या करती है, लंबवर्धक करती है, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर दूसरी प्रमेय, तो हमारी दूसरी प्रमेय क्या थी, दूसरी प्रमेय जो है वो हमारी ये थी कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, ठीक है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वो दोनों रेखाओं द्वारा बने कोणों का अर्धक होता है, ठीक है, अर्धक कह लो या समद्विभाजन कह लो। कहने का मतलब अगर मैं दो लाइनें मानूं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई दो लाइनें हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इससे बनने वाले जो ये दोनों कोण है इन दोनों कोणों को कौन अर्धक करेगी, जो कि इन दोनों को रेखाओं से क्या है ये समान दूरी पर स्थित हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां से अगर ये x दूरी पर है तो ये दूसरी लाइन से भी x दूरी पे होगी, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है तो ये वाली भी y दूरी होगी, ठीक है, और यहाँ पे दोनों के लिए क्या होगा, जीरो दूरी पर है। यानी कहने का मतलब यह है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पर
उन रेखाओं द्वारा बने कोणों का क्या होती है, अर्धक होती है या समद्विभाजक होती है, कोणों का अर्धक करती है। यानी कि अगर ये थीटा तो नीचे वाला भी थीटा होगा और इधर वाला भी थीटा होगा तो ये नीचे वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। सारे के सारे कोण जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये परमेय नंबर हमारी कौन सी है, दूसरी है। ठीक है, अब बात करूं तीसरी परमेय की। तो तीसरी परमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज में जो माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है, किसी त्रिभुज में जो माध्यिकाएं होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं त्रिभुज का नाम लूं ए बी सी और इसकी तीन माध्यिकाएं अगर मैं खींचूं तो ये तीनों माध्यिकाएं क्या होंगी, एक निश्चित बिंदु ओ पर मिलेंगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। ठीक है, और ये केंद्रक क्या करेगा, इन सभी माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करेगा। यानी कि अगर मैं इनको कह दूं पी क्यू आर, तो जो ए ओ बटा ओ पी है, ठीक है, ये बटा ये होगी 2:1 के अनुपात में और बाकी के अनुपात भी इसी के बराबर होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं सी ओ बटे आर ओ की, ये बराबर होगा डी ओ बटे क्यू ओ के। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाले जितने भी अनुपात है वो सारे के सारे क्या, शीर्ष वाली भुजाएं हैं, शीर्ष से जाने वाली है, और बाकी की जो नीचे वाली है वो क्या है, बिना शीर्ष से जाने वाली है। यानी कि ये वाली तो शीर्ष से जा रही है, ये वाली शीर्ष से जा रही है और ये वाली शीर्ष से जा रही है, तो ये तो ऊपर आएंगे और बाकी के जो इनके हिस्से हैं वो नीचे आएंगे। तो अनुपात किस में रहेगी, 2:1 में रहेगी। ये हमारी कौन सी परमेय, तीसरी परमेय है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ये केवल तीन ही परमेय है। बात कर कुछ परिभाषाओं की जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो जितनी तीनों परमेय मैंने जो बताई है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो उनके बारे में एक नंबर में पूछ सकता है। साथ में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि मैं बात करूं लंब केंद्र की, अंतः केंद्र की, परिकेंद्र की, ठीक है, और हमने अभी यहाँ पे क्या बताया, केंद्रक की। तो इनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। केंद्रक तो मैंने क्या बताया कि माध्यिकाओं का जो संगामी बिंदु होगा, या कहें कि तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगी वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि किसी त्रिभुज के अंदर, किसी त्रिभुज में भुजाओं के जो लंब अर्धक होंगे, भुजाओं के जो लंब अर्धक होंगे वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। यानी कि अगर मान लो ये क्या करे, भुजाओं को 2 भागों में बांट रहे हैं इस तरह से, ठीक है, चित्र वैसा ही होगा। अब की बार ये जो बीच में लाइनें खींची हुई है वो क्या कहलाएंगी, हमारा भुजाओं का लंब अर्धक कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, जिस बिंदु पर काटती है यानी इस ओ बिंदु पर काटेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। बात करें अंतः केंद्र की, तो अंतः केंद्र किसे कहते हैं कि जो कोणों का जो अर्धक है, जैसे कि मान लो ये वाली रेखा इसको इस कोण को क्या बराबर भागों में बांट रही है, तो कोणों के अर्धक जो होंगे वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जैसे कि यहाँ कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे, इस बिंदु को अंतः केंद्र कहेंगे। लंब केंद्र की जो परिभाषा होती है वो होती है कि किसी त्रिभुज के जो लंब शीर्ष लंब होते हैं वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। तो ये परिभाषाएं हैं तुम्हारी बुक में और लिखी हुई है, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन इन ऐसे क्वेश्चनों से ही आते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली के सवाल। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो देखो भाई, हमको एक चतुर्भुज दे रखा है, नाम नहीं पता है, इसलिए मैं आयत जैसा बना लेता हूँ, नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। ये विकर्ण हो गए, मान लेता हूँ ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई, हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी के बराबर सी डी है या फिर AD के बराबर कौन है, BC है, और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर भी है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संधिभाजित करते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा इस वाले के बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इस वाले के बराबर, ये हमको क्या है, दिया हुआ है। तो दिया है,
चतुर्भुज में AO के बराबर तो OC है और BO के बराबर कौन होगा? CDO। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमको ये करना है कि AB के बराबर कौन है? CD है, और यथा AB के समांतर कौन है? CD है। अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं तो हमारे पास में चतुर्भुज कैसा बन जाएगा? AD के समांतर BC है। ठीक है, तो इसके अंदर को रचना हमको कुछ करनी नहीं है, डायरेक्ट लिखेगी उत्पत्ति। इसमें यहां लिखेंगे त्रिभुज AOB वह त्रिभुज COD में। देखो भाई, इस वाले और इस वाले त्रिभुज के अंदर देखिए तो ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा। कोण AOB बराबर होगा कोण COD के, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है। शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। साथ में जो DO है, या कहूं AO है, वो बराबर है इसके CO के, और जो BO है वो बराबर है DO के। ये भी क्या है, हमें दिया है और दिया है। ठीक है, यानी कि कौन सा नियम लगेगा इसके अंदर? SASA नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांशम हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज जो AOB है वो सर्वांशम होगा त्रिभुज। देखो भाई, O कोण के बराबर O है, O बीच में, तो यहाँ भी O बीच में आएगा। AO के बराबर CO, AO शुरू में, तो CO भी शुरू में आएगा। अगला नाम क्या आ गया? D आ गया, वो बराबर आ गया। तो देखो, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो AB है वो बराबर है, शुरू और लास्ट बराबर होगा किसके? CD के। तथा यहाँ देखो, हमको क्या समांतर बताना है, तो कोण देख लो, ये वाला कोण क्या इस वाले के बराबर है? तो देखो, B जो है वो लास्ट में है, तो D भी क्या है? लास्ट में, यानी कि बराबर है। तो कोण का जो नाम होगा वो होगा ABO, बराबर है कोण CDO के। ठीक है, तो एकांतर है भैया, एकांतर कोण बराबर है, इसलिए जब एकांतर कोण यानी जेड की आकृति बनाने वाले कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी है वो समांतर होगा किसके? सी डी के। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली ऊपर वाली कंडीशन आ गई थी, यानी कि ये चतुर्भुज होगा वो कौन सा? समांतर चतुर्भुज होगा। इसके लिए हम दो नीचे वाले को है ना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी प्रकार क्या होगा, AD जो है वो समांतर होगा किसके? BC। ठीक है, जैसे हमने ऐसे किया है, इसी तरह से अगर ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगा, यही रिजल्ट आएगा। अतः दिया गया चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज अंतिम लाइन होगी हमारी। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए तुमको बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, अतः दिया गया चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए उपनिष्ठ आधार BC, ये हमारा BC है, इस पे क्या है? पर रेखा BC के विपरीत और दो समद्विभाव त्रिभुज, समद्विभाव त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं, ये वाली इसके बराबर है तो ये वाली किसके बराबर? इसके बराबर, समद्विभाव त्रिभुज है। त्रिभुज ये और PBC और QBC स्थित हो तो P व Q को मिलाने वाले, P व Q को मिलाने वाली रेखा BC को संपूर्ण पर समद्विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। यहाँ कुछ नाम नहीं दे रखा, अपने अपनी तरफ से नाम दे देते हैं। तो ठीक है, तो दिया है कि त्रिभुज BPC व BPC व BQC क्या है? समद्विभाव त्रिभुज है।
ये तो हमारे दिया है में आ जाएगा, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में ये वाली लाइन आ जाएगी, P व Q को मिलाने वाली रेखा BC समकोण पर संधिभाजित करती है, किसमें आ जाएगा, सिद्ध करना में आ जाएगा। उत्पत्ति हम करते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के अंदर देखो, त्रिभुज अगर मैं दोनों ऊपर वाले लू, यानी कि त्रिभुज पी बी ओ व त्रिभुज पी ओ सी में, ठीक है, दोनों क्या है, एक तरफ के ही त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर हम देखें तो जो बी पी बी है वो बराबर है पी सी के, ये तो क्या है, दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज से इसलिए दोनों भुजाएं बराबर होंगी। साथ में जो पी ओ है वो बराबर होगी पी ओ के, क्योंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है। साथ में कोण पी बी ओ बराबर होगा कोण पी सी ओ के, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण है, ठीक है भाई। समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं समान है, तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो दोनों कोण कौन कौन से हैं, ये वाले बी और सी जो है वो है, ठीक है। यानी कि एस ए एस के नियम से जो कोण होगा हमारे पास, जो त्रिभुज होगा पी बी ओ वो सर्वांशम होगा त्रिभुज, बी कोण सी के बराबर है, बी बीच में तो सी बी कहाँ आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। बात करें कि पी ओ पी ओ के बराबर है, तो पी ओ शुरू और लास्ट में, तो यहाँ पे भी पी ओ क्या आएगा, शुरू और लास्ट में आएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, बी ओ तो नहीं है अपने पास, पी बी बराबर है पी सी के, पी बी पी सी शुरू में है दोनों, यानी कि हमारे सही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कोण ओ के बारे में क्या है, कि ओ कोण ओ के बराबर है, यानी कोण पी बी पी ओ बी बराबर आएगा कोण पी ओ सी के, ठीक है, क्योंकि ये बराबर बता रखा है। और हमको ये भी पता है कि दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ू तो बराबर किसके आएगा, 180 डिग्री के आएगा, क्योंकि क्या है, ये एक ही रेखा पे स्थित कोण है। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180, क्योंकि रेखीय कोण युग्म है, क्योंकि क्या है, रेखीय कोण युग्म है, और दोनों ही क्या है, बराबर है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × कोण पी ओ बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये और ये इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 POB, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, पी ओ बी तो ठीक है ऐसे कैसे, प्लस पी ओ सी को पी ओ बी लिख सकता हूँ ना, तो इसको भी क्या लिख दू, पी ओ बी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 2 × पी ओ बी बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 180। दो का पक्षांतर करूंगा तो क्या आ जाएगा, भाग में जाएगा, तो कोण पी ओ बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री, जो कि बराबर होगा कोण पी ओ सी के, ठीक है। दोनों कोण 90 डिग्री के आ गए, यानी कि हमारी बात कौन सी सिद्ध हो रही है, कि पी और क्यों को मिलाने वाला रेखा बी सी को क्या है, समकोण पर संधिभाजित करती है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारी थी कौन सी, पी ओ रेखा बी सी को, बी सी का लंबवर्धक है, ठीक है, अर्धक है। अब देखो इसी प्रकार त्रिभुज बी क्यू ओ व त्रिभुज सी क्यू ओ में, भाई नीचे वाले दोनों त्रिभुज भी ऊपर वाले जैसे ही लगभग, तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर भी जो कोण बी ओ क्यों है वो बराबर आएगा कोण क्यों ओ सी के, दोनों के दोनों कितनी डिग्री के, 90 डिग्री के आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, जो हमारी सिद्ध करना है लाइन होगी वही लाइन हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है कि पी व क्यों को मिलाने वाली रेखा बी सी को क्या करती है, समकोण पर संधिभाजित करती है, ठीक है। अब देखो इससे अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारी बुक के अंदर, वो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, वही दो त्रिभुज लेने हैं, उनको इसी तरह से सर्वांशम करके 90 डिग्री लाना है,
ठीक है, और जो दो दूसरा त्रिभुज जो उसी में बनेगा उसको क्या करना है, इसी प्रकार करके यही 90 डिग्री कर लेना है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, बस उसके अंदर फर्क इतना है कि यहाँ पे बीसी के दोनों और बन रहे थे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, बीसी के एक और ही दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन कौन सा है, 10.1 का नवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि इस त्रिभुज के अंदर जो कोण P है, ये वाला जो कोण है इसका अर्धा कोण है पी एस, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। अगर ये x है तो वो भी कितना होगा, x होगा, ये बराबर दे रखे हैं। साथ में दे रखा है कि जो NS है, NS है वो P के ऊपर क्या है, लंबे, यानी दोनों के 90 डिग्री का कोण है, और जो SM है वो PR पर क्या है, लंबे, यानी कि ये दोनों कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के दे रखे हैं। हमको सिद्ध करना है कि जो SN जो है वो बराबर है किसके, SM के बराबर है, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम इसके अंदर उत्पत्ति के अंदर लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति के अंदर हमको पता है कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला, यानी कि त्रिभुज PNS वह त्रिभुज PMS में, ठीक है, जो कोण कोण है ये वाले बराबर दे रखे हैं, तो कोण NPS बराबर है कोण SPM के, ये हमें को क्या है, दिया है, ठीक है, P के बराबर P है कि हमको दिया है। दूसरा कोण अगर हम बात करें तो PNS बराबर है कोण PMS के, दोनों ये भी क्या है, दिया है कि दोनों के दोनों कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के हैं। PS जो है वो PS के बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, तो ASA के नियम से जो त्रिभुज NPS है वो सर्वांशन हो जाएगा त्रिभुज, देखो कौन सा N बराबर है M के, N शुरू में तो M भी शुरू में आएगा, ठीक है, P कोण P के बराबर है, P बीच में तो यहाँ भी P बीच में आएगा, बचा कौन S, S ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें कौन सी रेखा देखनी थी हमको, NS देखनी थी शुरू और लास्ट, तो ये शुरू और लास्ट कौन है, MS है, यानी कि NS जो है वो बराबर हो गई MS के, ये हमारे क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इस तरह से आप देखते हैं अगली प्रश्नावली, यानी कि 10.2। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज जो 10.2 है इसका हमारा कौन सा सवाल, दूसरा सवाल है। तो इस सवाल के अंदर क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, यदि एजी बीई और GF हो, यानी इन तीनों पे मान दे रखे हो, तो हमको ज्ञात करना है GD, VG और CF, ठीक है। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज हमारा हो गया ये वाला, नाम था इसका ABC, ठीक है, माध्यिका पहली है AD, दूसरी है BE और तीसरी है CF, ठीक है, जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये बिंदु जी दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, हमारे पास में दिया है में क्या आ जाएगा, ए जी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी ई बराबर 9 सेंटीमीटर और जो जी एफ है वो बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जो भी हमको दिया है हमको देखना है कि वो कौन सी भुजा से रिलेटेड होगा, जैसे कि जी डी की अगर मैं बात करूं, जी डी ये वाली भुजा है, ये वाली, ठीक है, यानी कि AG या फिर AD अगर है, AG है तो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं एक दूसरे को G पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो माध्यिकाएं जो होती है कितने अनुपात में होती है, 2:1 में विभाजित होती है, यानी कि AG अनुपात DG है वो कितना आएगा, 2:1 आएगा, या कहूं AG बटा DG बराबर कितना, 2:1 आएगा, AG का मान हमारे पास है 6 बटा DG ऐसे कैसे बराबर 2:1, वचर गुणा अगर हम करेंगे तो 2 से गुणा होगा GD, ठीक है, GD हमारा क्या होगा, 2 से गुणा होगा और 6 से गुणा होगा 1, तो 6 एकम 6 बराबर 2 GD, ठीक है।
तो जी डी बराबर क्या आएगा, दो का पक्षा में करूंगा तो 6 के बटे में आ जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे वाली भुजा देखते हैं, क्या ज्ञात करना है मेरे को, बी जी ज्ञात करना है। बी जी कहाँ है, बी जी ये रहा, और हमको भुजा दे रखी है बी, पूरी बड़ी वाली भुजा दे रखी है, तो हमको पता है कि जो बी जी बटा जी ई जो है वो कितना, 2:1, यानी कि 2/1 में आएगी। ठीक है, अब देखो ये जो जी ई है इसका कोई काम नहीं है, ना तो ये दिया हुआ है ना ही हमको ये ज्ञात करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी जी बटा बी ई माइनस बी जी बराबर में क्या आ जाएगा, 2/1। ठीक है, जो हमारे पास नहीं है या जो ज्ञात नहीं करनी उसको चेंज कर दिया, बी जी का मान तो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बटे में अगर बी की बात करूं तो वो है 9 सेंटीमीटर, 9 - bg तो बराबर क्या आ जाएगा, 2/1, ये तो होगा 2 से गुणा और 1 से गुणा होगा केवल बी, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे, तो देखो 9 × 18 - 2 bg बराबर आ जाएगा 1 से bg गुणा होगा तो केवल bg। ठीक है, यहाँ अगर ये उधर जाएगा तो माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 18 बराबर क्या आ जाएगा, bg प्लस 2 bg, कितना हो गया, 3 bg हो गया 18, तो bg बराबर क्या आ जाएगा, 18/3 गुणा में 3, तो पक्षांतर करने पे भाग में चला जाएगा, 3 का भाग दे लो इसके अंदर तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 18, तो 6 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तीसरी भुजा की बात करते हैं, तीसरी भुजा है CF, पूरी बड़ी भुजा हमको ज्ञात करनी है, और हमको दिया हुआ क्या है, GF ये दे रखा। ठीक है, तो हमको पता है क्या कि CG बटा GF जो है वो बराबर होगा 2/1 के। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं CG की बात करूँ, ना तो दिया हुआ ना ज्ञात करना, तो इसको हम बड़ी भुजा में बदल सकते हैं या फिर अनुपात भी चेंज कर लो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ CF - GF / GF बराबर कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं मान रखू किसका, इनका, तो यहाँ पे GF कितना दिया हुआ है, 4.5 दे रखा है, तो CF - 4.5 / 4.5 बराबर 2/1 आ जाएगा। देखो भाई अगर इसका मैं पक्षांतर करता हूँ, 4.5 दो से गुणा होगा, डबल कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, प्लस ये वाला जो माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4.5 प्लस में आ गया किसके बराबर, CF के बराबर, तो जो CF है वो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 13.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने तीनों भुजाएं याद कर ली। 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, दोबारा इस जैसा आने की संभावना है, इसलिए सवाल को तुम अच्छे से कर लेना। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब एक और सवाल देखते हैं आगे, तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AD + BE > 3/2 AB है। ठीक है, तो देखो, अच्छा इसके अंदर संकेत दिया हुआ है, वैसे ये संकेत जो है वो अपन को क्वेश्चन में वहां पे नहीं देगा, मेन एग्जाम में। ठीक है, तो अपन देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, त्रिभुज का नाम ABC हो गया, माध्यिका हमारी कौन है, AD है, BE है और CF है। ठीक है, और कहां प्रतिच्छेद कर रही है, G पर प्रतिच्छेद कर रही है, सिद्ध जो करना है दिया है में क्या आ जाएगा, ये वाली लाइन आएगी, माध्यिका है ये जो है वो जी पर प्रतिच्छेद करती है, सीधा कैसे आएगा, दिया है में सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है के अंदर हम डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख देंगे, इतना लिखेंगे, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बात करते हैं उत्पत्ति की, तो देखो उत्पत्ति के अंदर हम ये कहेंगे कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, दो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से
सदैव बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो जो मेरे को सिद्ध करना है हम केवल उन्हीं की बात करेंगे, यानी कि एडी एडी ये वाली पूरी लाइन आ रही है, ठीक है, बीई ये वाली लाइन होगी, और कौन है ए बी ये वाली लाइन होगी, यानी इन तीनों को मिला के अगर त्रिभुज कौन सा बन रहा है तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज बात करेंगे ए बी जी में, ठीक है, अब देखो जो एक्स्ट्रा आ रही वो आने दो, यानी जो त्रिभुज बन रहा है इन तीनों को मिला के वो छोटा वाला ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो वो ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो हमको ए बी को क्या करना है, लास्ट में छोड़ना है, बाकी दो भुजाओं को जोड़ना है, यानी कि ए जी प्लस बी जी इन दोनों का योग जो होगा वो बड़ा होगा किससे, ए बी से, ठीक है, ये तो हमारी इस परवेश से हो गया। अब यहाँ पे ए जी और बी जी का मान हमको रखना है, ए जी और बी जी का मान यहाँ रखना है, तो हम जानते हैं कि ए जी बटा ए डी अगर मैं करूंगा, ठीक है, या फिर कहूं ए डी बटा ए जी बराबर किसके आएगा, देखो मैंने बताया था कि ये जो माध्यिका होती है दो अनुपात एक में विभाजित होती है, ठीक है, यानी कि जो ए जी वाला हिस्सा है वो तो कितना है, ए जी वाला हिस्सा तो दो होगा, और ए डी हिस्सा जो है वो यानी कि पूरा वाला हिस्सा है तो दो रे कितना हो गया, तीन, तो अनुपात क्या आ जाएगा, तीन बटे दो, यानी कि ए डी बराबर तीन बटे दो क्या हो जाएगा, ए जी, ठीक है। अब यहां से तीन बटे दो का अगर मैं पक्षांतर करूंगा तो ए जी बराबर हमारे पास में आ जाएगा दो बटा तीन ए डी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें किसको, इस वाली भुजा को बीई को देखें, तो जो बीई होगा वो बराबर आएगा, पूरी भुजा ले रहा हूं मैं बीई, ठीक है, वो बराबर आएगा किसके, दो बटा तीन बी जी के, ठीक है। अब देखो ये वाली जो तीन लाइनें मैंने लिख के यहाँ इसको यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, तुम चाहो तो तीनों लाइनें यहाँ पे भी इसके अंदर लिख सकते हो, दोनों मानों को यानी ए डी और बी के मान को असमीका में रखने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, दो बटा तीन ए डी प्लस बी जी का मान कितना है, बी जी का मान जो यहाँ पे आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, बी जी बराबर था बी ई, दो बटा तीन बी ई, तो जो बी जी का मान आएगा वो आएगा दो बटा तीन बी ई ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, दो बटे तीन यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ए डी प्लस में बी ई ग्रेटर देन ए बी, ए डी प्लस बी ई ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, तीन बटा दो, भाग वाली चीज गुणा में चले जाएगी और गुणा वाली चीज भाग में चले जाएगी ए बी, यही हमारा क्या है, हमको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तो इस तरह से हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। बस एक बात का यहाँ ध्यान रखना, ये जो मैंने मान ज्ञात किया है तुमको पूरी तरीके से ज्ञात करना है, ये वाला मान मैंने क्या किया है शॉर्ट में लिखा है, मेरे पास जगह कम थी, ठीक है, तो तुम दो लाइनें और बढ़ा के लिख लेना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी का जैसा, चलो देखो अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है क्योंकि छह नंबर में एक क्वेश्चन आता है जो कि इस पूरी में से कहीं से, दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और तेरहवीं में से कहीं से भी आ सकता है, तो इसमें इसलिए छह नंबर में आ सकता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, दिया है, ठीक है, तो दिया है के अंदर क्या आएगा कि त्रिभुज की माध्यिका है, त्रिभुज की माध्यिका है एबीसी, इसका नाम हो गया, ठीक है, त्रिभुज की माध्यिका है कौन, ए डी बीई व सी एफ जी पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमारे किसमें आ जाएगा, दिया है में, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर यह त्रिभुज का नाम लिया हुआ है, माध्यिकाओं का नाम लिया है, इसलिए हम त्रिभुज एक मान रहे हैं एबीसी, और इसके अंदर माध्यिका हमने मान ली, कौन कौन सी है माध्यिका, ए डी बी ई और सी एफ, ठीक है। बात करते हैं सिद्ध करना है, तो देखो कोई सी भी दो माध्यिकाओं का जो योग है वो क्या है, तीसरी से अधिक है, यानी कि ए डी प्लस बी ई
दोनों का योग, दो माध्यिकाओं का योग तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा सी एफ, ठीक है, तीसरे से बड़ा हो गया। अब ये लाइन हम तीन तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ए डी प्लस सी एफ बड़ा होगा किससे, बी ई से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ई प्लस सी एफ बड़ा होगा किससे, ए डी से। तो ये तीनों बातें हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो तीनों में से एक बार करके हम कह देंगे, इसी प्रकार बाकी की दो भी क्या होंगी, प्रूफ होंगी। तो देखो इसके अंदर हमको रचना अलग से करनी पड़ेगी, तो रचना में हमको क्या करना है, पहले रचना लिख लेते हैं, एडी को इतना आगे बढ़ाया एजी बराबर, देखो हमको क्या करना है, एडी को आगे इतना बढ़ाना है, एडी को आगे इतना बढ़ाना है कि यहाँ पे जो भी बिंदु मेरे को मिलेगा, मान लो एच मिलेगा, तो एजी के बराबर क्या हो जाए, जी एच हो जाए, ठीक है, एजी के बराबर क्या हो जाए, जी एच हो जाए, इतना बढ़ाना है हमको, हो जाए, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, रचना में आ गई। और फिर क्या करना है, बी एच को और सी एच को मिला देना है, ठीक है, बी व सी को एच से मिलाया, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, उपपत्ति, उपपत्ति के अंदर हमको एक प्रमेय लिखनी है, जो कि मैं केवल बोल के बता रहा हूं। प्रमेय ये होती है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, क्या, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। वापिस बोल रहा हूँ, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी के क्या होती है, समांतर होती है। जैसे कि देखो भाई, ये हमारी क्या थी, माध्यिका थी एडी, यानी कि बीसी का मध्य बिंदु ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी, इस पूरे त्रिभुज की, तो इस पूरे त्रिभुज के अंदर ये वाली क्या है, ए एच की माध्यिका हो गई, ठीक है। तो ये जो रेखा होगी, ये वाली, ये किसके समांतर होगी, एफ जी समांतर होगी बी एच, एफ जी समांतर होगी बी एच, एफ जी बी एच, बी एच और ये वाली होगी सी जी समांतर बी एच के, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, तो देखिए हमारे, हमने क्या बताया कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, अगर मैं बात करूं त्रिभुज ए बी एच, त्रिभुज ए बी एच की, ठीक है। तो इसके अंदर देखो जो एफ है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, साथ में ए एच जो है ये पूरी भुजा है, इसका मध्य बिंदु कौन मा है, जी, क्योंकि ए जी बराबर क्या है, जी एच है, ठीक है। यानी कि एफ जी जो रेखा है वो किसके समांतर होगी, तीसरी भुजा यानी कि बी एच के समांतर होगी, ठीक है। ए जो एफ जी है, एफ जी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरी भुजा लिख सकता हूँ, एफ जी को क्या लिख सकता हूँ, एफ सी लिख सकता हूँ, तो एफ सी है वो समांतर होगी किसके, बी एच के, या फिर इसको एफ सी को और क्या लिख सकता हूँ, जी सी लिख सकता हूँ, क्योंकि केवल मैं भुजाओं को बराबर नहीं कर रहा, क्या बता रहा हूँ, समांतर, भाई ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये पूरी भुजा इसके समांतर होगी, तो ये वाली भी भुजा इसके समांतर होगी। इसी प्रकार अगर इस वाले त्रिभुज के अंदर मैं देखूं, यानी कि त्रिभुज ए एच सी में, एच सी के अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, और ए एच का मध्य बिंदु कौन है, जी, यानी कि ये वाली जो रेखा होगी जी एच वो समांतर होगी किसके, एच सी के समांतर होगी। एच जी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, सॉरी जी एच नहीं है, ये जी ई है, जी ई है वो समांतर होगी एच सी के, और जी ई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी जी भी लिख सकता हूँ, यानी कि बी जी है वो समांतर होगी किससे,
एच सी के। तो जो ये कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड है, तो फर्स्ट व सेकंड से चतुर्भुज बी जी सी एच एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है भाई, हमारे पास क्या आया, अगर मैंने क्या किया, देखो इस ये वाली जो भुजा है जी सी वो समांतर किसके, बी एच के। जी सी जो है वो समांतर है बी एच के, साथ में जो यहाँ पे हमारी भुजा आ रही थी कौन, बी जी, वो समांतर किसके हो गई, एच सी के समांतर हो गई। यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर हो गई, ये वाली भुजा इसके समांतर हो गई। यानी कि जो चतुर्भुज है बी जी सी एच, ये क्या ऐसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये है कि जो बी जी है वो बराबर होगी, बी जी जो है वो किसके बराबर होगी, एच सी के बराबर होगी, और बी एच जो है वो बराबर होगी सी जी के। ठीक है, सी जी के बराबर होगी अगर ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब मैं बात करता हूँ जो हमें सिद्ध करना है, अब वो लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला हिस्सा मिटाना पड़ेगा, या फिर मैं मिटा देता हूँ यहाँ से इसको। ठीक है, अब देखो भाई, हमको पता है क्या कि किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि अगर मैं त्रिभुज बी जी एच में बी एच जो है वो बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा कौन सी बच गई, जी एच बच गई, इन दोनों का योग क्या होगा, तीसरी से बड़ा होगा। अब देखो हमको क्या करना है, माध्यिकाएं लानी थी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बीजी जो है उससे बड़ी माध्यिका कैसे आएगी, देखो यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो जो बीई है वो बराबर किसके होगा, दो बटे तीन बीजी बराबर 2/3 बीई। देखो मैंने क्या किया, ये छोटी वाली जो भुजा है वो बराबर होगी 2/3 बड़ी वाली भुजा। ये कैसे किया, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर हमने देखा था कि इस तरह से, ठीक है, कि जो छोटी वाला भाग है यानी शीर्ष वाला जो भाग है 2/3 गुना होता है किसके, पूरी माध्यिका के। तो इसी तरह से अगर दूसरी मैं मान निकालू किसका, बी एच का तो बी एच जो है वो किसके बराबर है, जी सी के बराबर है। तो बी एच जो है वो बराबर है इसके सी जी के, और ये बराबर होगी, यहाँ पे भी क्या है, शीर्ष से जा रही है माध्यिका, तो ये किसके बराबर होगी, 2/3 पूरी माध्यिका कौन है, सी एफ के बराबर होगी। ठीक है, इसी तरह से मैं बात करूं तीसरी हमारा कौन आ रहा है, जी एच आ रहा है। तो जो जी एच है वो बराबर किसके है, ए जी के। रचना से हमारे पास में ए जी के बराबर कौन है, जी एच है, साथ में ए जी जो है माध्यिका है जो शीर्ष से जा रही है, तो ये किसके बराबर होगा, 2/3 पूरी भुजा क्या है, ए डी। ठीक है, यानी कि अगर मैं तीनों मान यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास आएगा 2/3 बी ई प्लस 2/3 सी एफ बड़ा होगा 2/3 ए डी। ठीक है, सभी के अंदर अगर मैं 2/3 का भाग दे दूंगा, यानी कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो मेरे पास कौन सा वाला हिस्सा बच रहा है, ये बच रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा बन रहा है पूरा के पूरा। अब इसी प्रकार बाकी के दो हिस्से भी क्या होंगे, इसी तरह से बराबर आएंगे। यानी कि हमको आगे इसको ओवर सोल्व नहीं करना, हमको डायरेक्ट कितना है, इसी प्रकार AD प्लस BE बड़ा होगा CF से, और AD प्लस CF बड़ा होगा BE से। इसी प्रकार करके हमको क्या करना है, ये दो लाइनें यहाँ लिख देनी है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है वो क्या, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसके अंदर हमको क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना है ये वाली चीज, यहाँ ये तीनों माध्यिकाएं और ये तीनों क्या है, भुजाएं। ठीक है, तो जो दिया है सिद्ध करना है, ये दोनों लाइन तुम लिख लेना, आराम से लिख सकते हो ना भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दिया है में आ जाएगा, ये वाली चीज
सिद्ध करना है, आ जाएगा रचना है, हमको यहाँ कोई करने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज में बना लेता हूँ, वही त्रिभुज होगा हमारा एबीसी, ए से जाएगी डी को रेखा, बी से जाएगी ई को रेखा और सी से जाएगी एफ को रेखा, जी पर प्रतिच्छेद करती है, ये कर दिया ठीक है। उपपत्ति के अगर मैं बात करूं, उपपत्ति देखो, उपपत्ति के अंदर वही जो हमने दूसरी के अंदर लिखा था, क्या लिखा था कि दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये कौन कौन से में आएंगे, तो देखो अगर मैं त्रिभुज लू ये वाला त्रिभुज ए जी बी में, ठीक है, ए जी जो है प्लस जी बी बड़ा होगा किससे, ए बी से। तो देखो हमारे क्या था, अगर मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं, ए बी जी ले रहा था, तो इसके अंदर देखो ये दोनों है वो क्या है, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं एक तरफ ली है मैंने, तो माध्यिकाओं के भाग है ना ये दोनों, इनको एक तरफ लिया है और जो भुजा है उसको मैंने क्या लिया है, एक तरफ लिया है। और इन दोनों का मान अगर मैं लिखना चाहूं, तो जो ए जी का जो मान होगा, ए जी का जो मान होगा वो कितना होगा, 2/3 पूरी भुजा ए डी, यही होगा। क्यों होगा तो वो देख लो, ए जी बड़ा भाग था इसलिए 2 गुणा में आ गया, ठीक है, और 3 यानी पूरी भुजा ले रहा हूँ जो कि कितना होगा, 2 × 3 हिस्सा हो गया तो 3 आ गया। इसी तरह से अब मैं बात करूं किसकी, जी बी की, तो जी बी बराबर क्या आएगा, जी बी कौन सा, बहुत बड़ा वाला हिस्सा, तो 2/3 पूरी कितनी है, बी की। दोनों मान यहाँ रख देता हूं तो मेरे पास आता है 2/3 बी ई, ठीक है, प्लस 2/3 ए डी, ठीक है, बड़ा होगा किससे, ए बी से, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ 3 का अगर मैं पक्षांतर करता हूं तो 3 यहाँ आ जाएगा, यानी 2 BE प्लस 2 AD बड़ा होगा 2, की जगह 3 आएगा, 3 AB के। अब देखो इसी प्रकार अगर मैं कौन सा त्रिभुज लू, ये वाला, इसी प्रकार त्रिभुज BGC में भी यही होगा, इसलिए डायरेक्ट अपन परिणाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ रही थी, माध्यिका, यहां से देखो कौन सी माध्यिका आएगी, पूरी BE आएगी, 2 BE प्लस ये वाली माध्यिका कौन सी है, CF, 2 CF आएगा, बड़ा होगा 3, कौन सी भुजा आ रही है, BC की। तथा त्रिभुज अगर कौन सा लू, AGC लू, ये तीसरा वाला अगर मैं त्रिभुज लू, तो इसके अंदर क्या आएगा, देखो माध्यिका कौन सी आएगी, ये वाली, यानी पूरी बड़ी क्या हो गई, 2 CF प्लस ये वाली माध्यिका आ रही है AG, पूरी माध्यिका क्या बन जाएगी, AD, 2 AD बड़ा होगा किससे, 3, भुजा कौन सी आ रही है इसमें, AC। तीनों असमीकाओं को अगर मैं जोड़ू, तीनों असमीका को जोड़ने पर, तो देखो BE ये रहा, BE ये रहा, 2 बार है, AD ये रहा, AD ये रहा, ये भी कितनी बार, 2 बार, CF ये रहा, CF ये रहा, ये भी कितनी बार, 2 बार, सब 2-2 बार है, और इसके अंदर पहले से ही 2-2 लिखे हुए हैं, यानी कि 2 BE प्लस 2 AD प्लस 2 BE प्लस 2 CF प्लस 2 CF प्लस 2 AD बड़ा होगा किससे, 3 AB प्लस 3 BC प्लस 3 AC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन सब ये क्या है, 2-2 बार आ रहे हैं, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, सभी में से कॉमन भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या क्या बचेगा, एक तो बचेगा BE AD और AD आ गया, तीसरा कौन है, CF है, CF, ठीक है, बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा किससे, इनमें 3 कॉमन आ रहा है, और AB प्लस BC प्लस AC। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, जो हमको प्रूफ करना था, ये वाला जो सिद्ध करना था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो मैंने कम लाइनें जो की हैं वो कौन कौन सी की है,
देखो मैंने लाइन यहाँ पे कम की थी, कौन सी इनको जोड़ने वाली, यानी कि इनको दोनों को पास पास में लिखना है और फिर उनको दो दो कितने करने चार करके फिर कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ी लाइन मैंने जो कम की है वो तुम्हारे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस सवाल को इस तरह से करेंगे। अब देखते हैं एक और सवाल। तो देखिए अगला सवाल जो है हमारे पास में क्या है कि त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र पी है, सिद्ध कीजिए कि पीबीसी का लंब केंद्र बिंदु ए है। अगर देखो चित्र इसका हम बना लेंगे तो चित्र के द्वारा ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आएगा। हमको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, इसका लंब केंद्र P है। इसका मतलब क्या हो गया, लंब केंद्र हम किसको कहते हैं कि जो शीर्ष लंबों से, जो शीर्ष लंबों से क्या हो, सम्मुख भुजा पे अगर लंब डाले तो वो तो क्या होता है, हमारा लंब शीर्ष लंब होता है और वो जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारा क्या होगा, लंब केंद्र होगा। यानी कि अगर मैं कहूं AD, BE और CF, ये तीनों क्या है, लंब केंद्र। लंब केंद्र का मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये वाला बिंदु क्या हो गया फिर, P, इस प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहेंगे हम, लंब केंद्र कहेंगे P, ठीक है। अब देखो भाई अपन को प्रूफ जो करना है वो करना है कि पी बी सी का लंब केंद्र कौन है, ए। यानी कि जो त्रिभुज पी बी और सी है इनके शीर्षों से जो सम्मुख भुजा पर क्या डालेगा, लंब डालेगा, वो किसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ए को प्रतिच्छेद करना है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है या सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो भाई दिया है त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र कौन है, पी, ये दिया है, मैं आ गया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में क्या आ जाएगा, त्रिभुज बीपीसी का लंब केंद्र कौन है, ए बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति, उपपत्ति में लिखेंगे लंब केंद्र शीर्ष लंबो का संगामी बिंदु होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज बी पी सी में, तो केवल इसके अंदर हमको ये देखना है कि इसके जो शीर्ष है कौन से, बिंदु पी, बिंदु बी और बिंदु सी, इनसे जो लंब खींच रहे हैं इनकी भुजाओं पर वो क्या ए बिंदु तक जा रहे हैं, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखते जाओगे, अगर मैं बात करूं किसकी, पी बिंदु की, पी बिंदु ये रहा, एडी क्या है, पी बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है। तो जो बी बी है वो लंब होगा किसके ऊपर, बीसी, जो कि भुजा है बीसी, ठीक है। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, एडी, एडी पूरी भुजा है वो लंब होगी किसपे, बीसी, ठीक है। ये तो त्रिभुज की बात हो गई, इसको आगे तक बढ़ा दिया, इसको शीर्ष लंब को, तो एडी बन जाएगी। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली जो भुजा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, सी पी की, सी पी क्या है, भुजा है, ठीक है। ये किस पे लंब है, ए बी पर लंब है, लंब है किस पे, ए बी पर। देखो भाई सी पी ये वाली भुजा थी, ठीक है, किस पे लंब है, ये ए बी पर। अगर नाम समझ में नहीं आ रहा तो इसको पूरा नाम लिख लेते हैं, ये क्या है, एफ सी या सी एफ है, वो लंब है किस पे, ए बी पे लंब है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो पी सी है, पी सी है इस पे लंब कौन होगी, ए बी होगी, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ वो क्या है, शीर्ष लंब है, और ये वाली जो भुजाएं आएंगी वो किस, कौन से त्रिभुज की आएंगी, इस त्रिभुज की आएंगी, ठीक है। तीसरा जो बिंदु हमारा बच गया, वो बच गया कौन सा, ये वाला बीपी। तो जो बीई है वो शीर्ष लंब है, तो ये लंब है किस पे, एसी पर लंब है, ठीक है। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, एसी को क्या लिख सकता हूँ, देखो भाई एसी जो है वो तो एसी रहेगी, एसी ये किस पे लंब होगी, बीई पर लंब थी, बीई पर, बीई को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीपीपी लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो देखो मैंने इस चीज को इस तरह से लिखा है, ये चीज तो साफ साफ दिख रही है, इनकी भुजाओं को घटाया तो मेरे पास इस तरह से मिल गई। ये तीनों तो क्या है, त्रिभुज बी पी सी की भुजाएं आ गई, और ये वाली तीनों क्या है, जो इसके शीर्ष लंब थे, शीर्ष से जो खींचे गए लंब थे वो कहां तक जा रहे हैं, तीनों के तीनों ए बिंदु तक जा रहे, यानी कि तीनों जो शीर्ष लंब है वो कहां तक जा रहे हैं, ए तक। अतः तीनों शीर्षों से भुजाओं पर डाले गए लंब बिंदु ए तक जाते हैं, ए तक जाते हैं, ठीक है, ए तक जा रहे हैं, यानी कि त्रिभुज पी बी सी का लंब केंद्र कौन होगा, लंब केंद्र बिंदु ए होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो ये अगर देखा जाए तो सोचने समझने की इसमें ज्यादा चीजें हैं, लिखना मैंने बहुत कम से कम लिखा है और इतना ही हमको लिखना है, ठीक है। केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन सा लंब किस पे है और इसको किस तरह से हमको क्या करना है, ए बिंदु से गुजारना है शीर्ष लंबों को, और सारी की सारी कौन सी भुजाएं लेनी है, त्रिभुज बी पी सी की भुजाएं लेनी है, ठीक है। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, अब कल देखेंगे या फिर अगले वीडियो में कौन सा सवाल देखेंगे, आगे की प्रश्नावली के सवाल देखेंगे।